कैलाश पर्वत हिमालय के उत्तरी क्षेत्र तिब्बत में स्थित है और तिब्बत चीन का हिस्सा है, इसलिए कैलाश पर्वत चीन में आता है। माउंट एवरेस्ट पर अभी तक 7000 से ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है, जबकि इसकी ऊंचाई एवरेस्ट से लगभग 2000 मीटर कम यानी 6,638 मीटर है, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी अभी तक कोई भी कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ सका है। सन 1999 में रूस के वैज्ञानिकों की एक टीम एक महीने तक माउंट कैलाश के नीचे रही और इसके आकार के बारे में शोध करती रही। वैज्ञानिकों ने कहा कि इस पहाड़ की तिकोने आकार की चोटी प्राकृतिक नहीं है, बल्कि एक पिरामिड की तरह है जो बर्फ से ढका रहता है। लेकिन एक बात ऐसी है जो सबको हैरान करती है कि जो भी इस पहाड़ को चढ़ने निकला या तो वो मारा गया या बिना चढ़े ही वापस लौट आया। तो चलिए जानते हैं क्यों आखिर कोई भी कैलाश पर्वत पर आज तक नहीं चढ़ पाया है। ये कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर एक दिन एक महीने के बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि एक महीना 2.5 साल का होगा। दरअसल वह दिन और रात तो नॉर्मल तरीके से ही गुजरता है, लेकिन वह कुछ इस तरह की तरंगे हैं जिस वजह से वहाँ अगर एक दिन रहे तो उसके शरीर में बदलाव बहुत तेजी से होने लगता है। यानी कि एक महीने में जितना शरीर में बदलाव होगा उतना ही एक दिन में हो जाएगा। इस तरह समझे कि यदि नॉर्मल दिनों की तरह हमारे नाखूनों को हम एक महीने में 4 बार काटते हैं, तो वहीं कैलाश पर्वत पर हमें एक दिन में 4 बार काटना पड़ेगा। साइंस की भाषा में तेजी से शरीर में बदलाव होने की प्रोसेस को फास्ट एजिंग कहते हैं। फास्ट एजिंग मतलब तेजी से आयु में वृद्धि। कहते कि कैलाश पर्वत पर सबसे ज्यादा खोज रसिया पर्वतारोहियों और वैज्ञानिकों ने की है। एक समय था जब साल के 12 महीने रूसी खोजियों के कैंप कैलाश पर्वत पर लगे रहते थे। वे यहाँ की सुपर नेचुरल पावर के रेशियो का पता लगाने के लिए वे यहाँ रहने का जोखिम उठाते थे। इन लोगों के अनुभव बताते हैं कि कैलाश पर्वत के नीचे एजिंग बहुत तेजी से होने लगती है। इन पर्वतारोहियों के अनुसार वहाँ बिताया एक दिन एक महीने के बराबर होता है। हाथ पैर के नाखून और बाल बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं। सुबह क्लीन शेव रहे व्यक्ति की रात तक अच्छी खासी दाढ़ी निकल जाती है। कहते हैं कि एक ऐसा समय था जब चीन ने दुनिया के सबसे अच्छे पर्वतारोहियों को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की परमिशन दी थी, लेकिन सभी के प्रयास असफल सिद्ध हुए। बाद में यह परमिशन देना बंद कर दिया गया। अनुमति दिए जाने के दौरान ही एक बार 4 पर्वतारोहियों ने कैलाश के ठीक नीचे स्थित जलाधारी तक पहुँचने की योजना बनाई। कहते हैं कि इनमें से एक ब्रिटिश, एक अमेरिकन और 2 रूसी थे। सभी अपने बेस कैंप से कैलाश पर्वत की ओर निकले थे। कहते हैं कि वे कुशल पर्वतारोही थे और काफी आगे गए थे। बाद में एक सप्ताह तक उनका कुछ अता पता नहीं चल पाया, लेकिन जब वे लौट के आए तो उनका हुलिया एकदम बदल चुका था। एक सप्ताह में ही दाढ़ी और बाल हद से ज्यादा बढ़ गए थे। उनके अंदर काफी कमजोरी आ गई थी। ऐसा लग रहा था कि वे 8 दिन में ही कई महीने आगे जा चुके थे, और इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन चारों ने कुछ ही दिनों बाद दम तोड़ दिया। कहते हैं कि ऐसा भी होता है कि कैलाश की परिक्रमा करते समय रास्ते में एक ऐसा खास पॉइंट आता है जहाँ पर स्पिरिचुअल पावर्स आगे बढ़ने पर चेतावनी देती है। कैलाश पर्वत के नीचे तेजी से मौसम बदलता है, ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, व्यक्ति को बेचैनी होने लगती है, अंदर से कोई कहता है यहाँ से चले जाओ। जिन लोगों ने चेतावनी को अनसुना किया उनके साथ बहुत बुरा हुआ। कुछ लोग रास्ता भटक कर जान गंवा बैठे। एक रूसी वैज्ञानिक जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ही ये सबसे पहले बताया था कि यहाँ कैलाश के 50 किलोमीटर के एरिया में रहने से इंजन की गति बढ़ जाती है। कैलाश की चोटी को 800 मीटर ऊंचा हाउस ऑफ हैपी स्टोन कहते हैं। इसके बाद मॉस्को की रशियन अकेडमी ऑफ नेचुरल साइंसेज के यूरी जाकरोव ने अपने बेटे पॉल के साथ यहाँ की यात्रा की थी, लेकिन बहुत ही भयानक और सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस के साथ उन्हें वहाँ से तुरंत लौटना पड़ा था। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि क्या ये सच है या एक अफवाह। कुछ भी हो, जब कोई पर्वतारोही या वैज्ञानिक जब भी कैलाश पर्वत के नीचे गया तो वे वहाँ से तुरंत लौट आया। आज तक कैलाश पर्वत पर कोई भी पर्वतारोही नहीं चढ़ सका, जबकि कैलाश पर्वत से कुछ ही मीटर ऊंचे एवरेस्ट पर कई पर्वतारोही चढ़ गए हैं। तो क्या वे कैलाश पर नहीं चढ़ सकते? कुछ तो बात है कैलाश पर्वत में। कहते हैं कि सन 1928 में एक बौद्ध भिक्षु मिलारेपा ही कैलाश पर्वत पर जाने और उस पर चढ़ने में सफल रहे थे। मिलारेपा ही मानव इतिहास के एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जिन्हें की वहाँ जाने की आज्ञा मिली थी। हालांकि फास्ट इंजिन का रहस्य अभी भी एक अनसुलझा रहस्य है। कैलाश पर्वत दुनिया का एकमात्र ऐसा पर्वत है जिसके शिखर पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ सका है। समुद्र तल से कैलाश की ऊंचाई 6,656 मीटर है। यह माउंट एवरेस्ट से काफी कम है। फिर भी कई लोगों ने एवरेस्ट फतेह किया है, परंतु कैलाश पर्वत पर अभी तक कोई भी चढ़ाई नहीं कर पाया है। एक वैज्ञानिक के अनुसार इसका कोई कारण है जिसकी वजह से यह पर्वत अपनी सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहता है। कई देशों के अनेकों पर्वतारोहियों ने अनेकों बार कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की है, परंतु हर बार उन्हें असफलता ही हाथ लगी। उन पर्वतारोहियों से बातचीत की गई
दोस्तों, हैरान कर देने वाले दृश्य सामने आए हैं। किसी ने कहा कि पर्वत पर चढ़ते ही अचानक से मौसम बदलने लगता है और तेज बारिश होने लगी, जिस कारण चढ़ना नामुमकिन हो गया। तो किसी ने कहा कि हम एकदम सही दिशा में जा रहे थे और अचानक से दिशा बदल गई। लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर एक दिव्य एनर्जी है जो किसी को भी पर्वत नहीं चढ़ने देती है, क्योंकि ये पर्वत भगवान भोलेनाथ का निवास स्थान है। अब तो इस पर्वत पर चढ़ने की मनाही हो चुकी है, किसी को भी अनुमति नहीं दी जाती है। कैलाश पर्वत के बर्फ से ढके हुए 21,778 फुट ऊंचे शिखर और उससे जुड़े मानसरोवर का ये तीर्थ है। इस प्रदेश को मानस खंड भी कहा जाता है। लेकिन एक बात है जो बहुत हैरान करने वाली है, यहाँ श्रद्धालुओं को कैलाश पर्वत से डमरू और ओम की आवाज सुनाई देती है। कैलाश पर्वत को ओम पर्वत के रूप में भी जाना जाता है। तीर्थ यात्रियों का कहना है कि कैलाश पर्वत के क्षेत्र में पहुंचने पर ओम की ध्वनि सुनाई देती है। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के एरिया में जाएंगे तो आपको लगातार एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि आसपास कोई एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर ये आवाज डमरू और ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि ये आवाज बर्फ के पिघलने की हो, जिस वजह से यहाँ ओम की ध्वनि सुनाई देती हो। कैलाश पर्वत का सबसे बड़ा रहस्य इसका शेप। रूसी वैज्ञानिकों के अनुसार यह पहाड़ के बजाय एक पिरामिड है। उनका कहना है कि कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना पिरामिड हो सकता है, जिसे इंसानों ने बनाया था, जो कुल 100 छोटे पिरामिड का सेंटर है और गीजा से जुड़ा हुआ है। उन्होंने यह भी कहा है कि कैलाश पर्वत के अंदर एक रहस्यमय दुनिया हो सकती है। उनके अनुसार यहाँ सबसे पुरानी सिविलाइजेशन के लोग रहते थे, जो पूरे पर्वत पर कंट्रोल रखते थे और अपने आप को भी प्रोटेक्ट रखते थे। यहाँ कई लोगों ने यति यानी हिम मानव देखे जाने की भी बात कही है, जिसका मतलब यहाँ कोई तो है। और इसी वजह से ये सब बातें इस जगह को और भी रहस्यमय बनाती हैं। अब सवाल ये है कि ये कुदरत की रचना है या मानव द्वारा बनाई गई रचना। पिरामिड मानव की उत्पत्ति से पहले से ही है, जो अंदर से खोखला है, जिसके अंदर रहस्यमय और मॉडर्न औजार हो सकते हैं। उनकी माने तो कैलाश पर्वत के अंदर एक एडवांस सिविलाइजेशन रहती है, जो कैलाश पर्वत के मौसम को कंट्रोल करती है और खुद को भी प्रोटेक्ट रखती है। एक और बात इस जगह को और भी रहस्यमय बनाती है, वो है यति यानी हिम मानव। यहाँ कई बार हिम मानव को देखे जाने की बात साबित हो चुकी है। कैलाश पर्वत का आकार कंपास के चार बिंदुओं की तरह है, यानी पर्वत के चारों मुख कंपास के चारों दिशाओं की ओर है। लेकिन हैरानी वाली बात तो यह है कि इसका आकार तो कंपास की तरह है, पर यहाँ दिशा सूचक यंत्र यानी कंपास ठीक से काम नहीं करते हैं। दरअसल ये एक्सिस मुंडी का सेंटर है। एक्सिस मुंडी का अर्थ है दुनिया का सेलेस्टियल पोल और जियोग्राफिकल पोल का सेंटर। ये आकाश और पृथ्वी के बीच का पॉइंट है, जहाँ 10 दिशाएं मिलती है। ऐसे में यहाँ कंपास काम नहीं करते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वे स्थान है जहाँ सुपरनेचुरल पावर्स स्ट्रीम्ड होती है और आप उन पावर्स से कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। ये कहा जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की रंग बिरंगी रोशनी आकाश में चमकती हुई देखी गई है। नासा के वैज्ञानिकों का ये मानना है कि हो सकता है यह मैग्नेटिक फोर्स के कारण ऐसा होता हो। यहाँ का मैग्नेटिक फोर्स आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण करता हो। लेकिन कुछ भी हो, ये रहस्य आज भी दुनिया के सामने रहस्य ही है। कैलाश पर्वत के दक्षिण भाग को नीलम, पूर्व भाग को क्रिस्टल, पश्चिम को रूबी और उत्तर को स्वर्ण रूप में माना जाता है। ये चार धर्म तिब्बत, बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म का आध्यात्मिक केंद्र है। कैलाश पर्वत समुद्र तल से 21,700 फीट ऊंचा है। सीधी सी बात है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत नहीं है। वर्तमान में ये तिब्बत क्षेत्र में स्थित है। इसके दोनों ओर मानसरोवर और राक्षस ताल नाम की जिले स्थित हैं। मानसरोवर और राक्षस ताल से कई महत्वपूर्ण बड़ी नदियां निकलती हैं, जिनमें ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज मुख्य हैं। जब हम कैलाश पर्वत से कुछ दूरी पर होते हैं तो हमें ये बर्फ से ढके हुए शिवलिंग की भांति प्रतीत होता है। लेकिन ये महत्वपूर्ण नजारा केवल अमरनाथ की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को ही देखने को मिलता है। आश्चर्य की बात है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत न होने के बावजूद भी कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ सका है, जबकि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर आज तक 5,000 से भी ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है कि कैलाश पर्वत पर कोई भी जीवित व्यक्ति नहीं चढ़ सकता है, क्योंकि कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है। इसलिए यह मोक्ष का धाम है, इसलिए यहाँ केवल पवित्र आत्मा ही निवास कर सकती है। आज तक देखा गया है कि जिस भी व्यक्ति ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है, उसकी रास्ते में ही रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है।
इसी कड़ी में 1999 में रूस के एक आंखों के डॉक्टर रेंस्ट मुलादासेव ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने का निश्चय किया और इसके बारे में रिसर्च करने की कोशिश की। इसके लिए डॉक्टर साहब ने एक टीम को बनाया जिसमें कई इतिहासकार और जियोलॉजिस्टिक सहित कुछ डॉक्टर शामिल थे। उन्होंने कई दिनों तक वहाँ रिसर्च किया लेकिन खराब मौसम के चलते ये भी कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाए। टीम के वापस लौटने पर उन्होंने कहा कि कैलाश पर्वत कोई पर्वत नहीं है बल्कि इंसानों के द्वारा बनाए गए एक पिरामिड है, क्योंकि पास से देखने पर यह बिल्कुल पिरामिड जैसा ही दिखता है और दूर से पर्वत लगता है, लेकिन उनके पास इसके कोई प्रूफ नहीं थे, ये एकमात्र उनका अंदाजा था। रामायण काल की कहानियां कौन नहीं जानता है, जिसमें एक ये भी है। रावण ने एक बार धरती से स्वर्ग जाने के रास्ते का निर्माण करने की सोची। तब उसने स्वर्ग की सीढ़ी कैलाश पर्वत पर ही बनाने का प्रयास किया था, जिसके निशान आज भी कैलाश पर्वत पर दिखते हैं। परंतु रावण उसमें सफल नहीं हो सका। कहा जाता है कि रावण जब मरने वाला था तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से यह कहा था कि इस धरती से सबसे बड़ा बुद्धिमान जा रहा है, जाओ उससे कुछ सीख लो। तब लक्ष्मण जी रावण के पास गए और रावण से कुछ ज्ञान देने को कहा। तब रावण कुछ नहीं बोला। ये वाक्य लक्ष्मण जी ने राम को बताया। तब राम जी ने कहा कि तुम ज्ञान लेने गए हो, वो भी अपने घमंड के साथ। एक बालक बनकर जाओ और रावण के सर के पास नहीं पैरों के पास बैठकर आग्रह करो। तब लक्ष्मण जी ने अपना तीर कमान रावण के पास रखकर रावण के पैरों के पास बैठ गए और रावण से आग्रह किया। रावण ने कहा कि कोई भी काम वक्त पर मत टालो, क्या पता किसी समय वक्त ही न बचे। मैंने अपनी जिंदगी के सारे काम किए परंतु ये काम नहीं कर सका, क्योंकि मैंने सोचा मैं अमर हूँ, मेरे पास वक्त की कमी नहीं है, इसलिए धरती से स्वर्ग की सीढ़ी नहीं बना सका। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें।